दोस्तों, हमें कॉल पर हर तरह के कस्टमर से बात करनी होती है और उनमें से कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको हैंडल कर पाना काफी मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क होता है, और जब हम उनसे बात करते हैं तो काफी परेशान और डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको ध्यान में रखकर अगर आप कस्टमर से बात करते हैं तो ना सिर्फ आप कस्टमर को इजीली हैंडल कर सकते हैं, इवन आप कस्टमर को अपने सर्विस और प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इजीली कन्विंस भी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरो टॉक्स पर। नंबर 1, लिसनिंग। जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, जब वो कस्टमर को कॉल करता है तो उसे जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछता है, तो उसे सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज शूट आउट करनी होती है। उसके हर क्वेश्चन का उसको टाइमली रिप्लाई करना होता है। ऐसा ना करें कि कस्टमर हमसे कुछ पूछ रहा है और उसकी बातों को हमने बीच में ही कट कर दिया, उसकी बात को हम कम्प्लीटली सुने ना। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपरली उसकी बातें सुननी है, नोट डाउन करनी है, ऑब्जर्व करनी है, देन उन बातों का आपको रिप्लाई करना है। और अगर आप ध्यान से उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो आप उनका रिप्लाई कैसे करेंगे? तो आपको प्रॉपरली उनकी बातों को लिसन करना है। और अगर हम प्रॉपरली उनकी बातों को सुनते हैं तो कस्टमर को ये लगता है कि हम उनको वैल्यू दे रहे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं। नंबर 2, एम्पैथी। दोस्तों, जब हम कस्टमर से बात कर रहे होते हैं कॉल पे तो कस्टमर के फ़ायदे के बारे में हमें बात करनी होती है। जब हम उसको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे होते हैं तो उसका बेनिफिट हमें समझाना है, ना कि सिर्फ हमें खुद का फ़ायदा देखना है। हमें उनसे पैसा नहीं लेना है, हमें उन्हें बेनिफिट देना है। हमें एक्चुअल में कस्टमर की नीड जानकर, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके और उसे उसकी नीड को समझाना है, तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर हम कस्टमर की ज़रूरत की चीज़ अगर उसको देते हैं तो वो हमारी कंपनी से लाइफ टाइम जुड़ के रहता है। और हो सकता है हम स्टार्टिंग में उसे कैसे भी करके हम उससे पैसा ले लें और उसे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ज़बरदस्ती हम उसे दे देते हैं कन्विंस करके। तो आपको क्या लगता है, हमने एक बार बेवकूफ़ बना दिया कस्टमर को, क्या वो दोबारा बेवकूफ़ बनेगा? बिल्कुल नहीं, वो हमारी कंपनी से इन फ्यूचर कभी भी सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो इससे आपकी कंपनी का शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं। नंबर 3, पेशेंस। दोस्तों, जब हम कस्टमर से बात करते हैं किसी सर्विस या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो कभी ऐसा होता है कि हम कस्टमर को गलत टाइम पे फ़ोन करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, हम पे चिल्लाता है, गुस्सा करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उस पर गुस्सा करें, हम भी उस पर चिल्लाएं, नहीं। आपको उस टाइम पेशेंस रखना है, आपको उस टाइम धैर्य से काम लेना है, आपको उस पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना, चिल्लाना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कस्टमर आपसे हमेशा के लिए चला जाएगा, वो कभी आपकी कंपनी में दोबारा लौट के नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है कि गलती आपकी रही हो कि आपने उसको गलत टाइम पे फ़ोन किया है, तो आपको उसको ये बोलना है, सर सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैंने आपको गलत टाइम पे फ़ोन किया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस टाइम आपको फ़ोन कर सकती हूँ। तो हो सकता है कि दोबारा जब आप उसको कॉल करें तो वो अच्छे से आपसे बात करें और आपका सर्विस और प्रोडक्ट भी परचेज कर ले। नंबर 4, कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जब हम कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंटली बात करना है। कभी ऐसा होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को उसको डिलीवर करता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, तो वो कस्टमर के सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज को सॉल्व करता है और उसको अच्छे से सेटिस्फाई करता है। कॉन्फिडेंटली, बिना नर्वस हुए, वो कस्टमर से अच्छे से बात करता है। और दूसरा होता है तो वो काफ़ी नर्वस, काफ़ी डरा सहमा सा होता है और उसे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वो कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पाता। तो आप बताइए कि आप किसे प्रीफर करेंगे? आप उसी को प्रीफर करेंगे जो कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कस्टमर को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। बिकॉज कस्टमर को अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कैसे आपसे परचेज करेगा। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात करें। नंबर 5, पोलाइटनेस। दोस्तों, जब भी आप कस्टमर से बात करते हैं फ़ोन पे किसी सर्विस या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आपको कभी भी फ्रस्ट्रेट या गुस्सा होकर बात नहीं करनी है, चाहे आप कितने भी स्ट्रेस में हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे सीनियर का हम पे काफ़ी प्रेशर होता है और हमें टारगेट पूरे करने होते हैं, तो कभी जब हमारे टास्क पूरे नहीं होते हैं तो हम काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमारा गुस्सा
हम कस्टमर पे उतार देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं कॉल पे, तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें गुस्सा नहीं होना है, हमें हैप्पीली स्माइल के साथ पोलाइटली कस्टमर से बात करनी है। अगर हम कस्टमर को हैप्पी रखेंगे तो अभी नहीं तो इन फ्यूचर वो हमसे ज़रूर सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो जब भी आप कस्टमर से बात करें तो स्माइल के साथ हैप्पीली आप उससे बात करें। अगर हम कस्टमर से पोलाइटली बात करते हैं तो कस्टमर को लगता है कि हम उसके साथ काफ़ी इंगेज है और हम कस्टमर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।